नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल रूट 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हत्या करके अभियुक्त ने थाने में किया सरेंडर, कहा कि आ गया हूं, गोली मत मारना प्लीज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में बुधवार रात करीब 8 बजे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके कुछ ही घंटे बाद आरोपी ने थाना गल शहीद में जाकर सरेंडर कर दिया। थाना गल शहीद पहुंचकर बोला कि मैं आ गया हूं, प्लीज गोली मत मारना। हत्या के पीछे 20,000 का विवाद था। थाना मजौला के जयंतीपुर बंगाली बस्ती में अभियुक्त ने युवक के मारी थी गोली। पुलिस ने इस हत्यारे के पास से 12 बोर देसी तमंचा, एक खोखा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने परिवार की तहरीर पर अभियुक्त के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतक के घर वालों ने बताया कि अचानक तमंचा निकालकर सीने में गोली मार दी। किसी बात को लेकर दोनों के बीच बुधवार रात को झगड़ा चल रहा था। इस बीच रोमी ने तमंचा निकालकर युवक को गोली मार दी और इसके बाद वह मौके से भाग गया। शकील अन्य लोगों की मदद से रियाजुल को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। खास रिपोर्ट मुरादाबाद से फरमान हुसैन के साथ। कल थाना मझोला क्षेत्र में एक घटना हुई थी। यहाँ चौकी जयंतीपुर क्षेत्र में जो पीर का बाजार है, उसके पास में एक रियाजुल नाम के एक व्यक्ति थे जो बंगाल के रहने वाले थे। वो यहाँ अपने परिवार के साथ में ही रहते थे और ये मांग दिखाते थे। उनकी किसी व्यक्ति के द्वारा उनको गोली मारी गई थी और अस्पताल में ले जाते समय उनकी डेथ हो गई थी। पूछताछ में उनकी पत्नी ने बताया कि कोई रूमी नाम का व्यक्ति है जिसके 20,000 रुपये उन्होंने उधार लिए थे और वो उसी को लेके उससे कुछ विवाद था इनका। इस संबंध में जब तेज़ी से पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की और पता लगा कि रूमी नाम का जो व्यक्ति है उसका असली नाम जमाल अहमद और ये बड़ी मस्जिद गुलशन नगर भूरे कुरैसी का मकान है, थाना गलसई क्षेत्र में वहाँ रहता है। उस इलाके के हमारे द्वारा घेराबंदी कराई गई। कई टीमें जब उसकी गिरफ्तारी के लिए सक्रिय हुई तो इसी दबाव में उक्त व्यक्ति द्वारा स्वयं थाना गल शहीद पर आके सरेंडर किया गया और बाद में उसके कब्जे से जो तमंचा था एक 12 बोर का जिससे उसके व्यक्ति द्वारा फायर किया गया था, वो भी बरामद किया गया है। इस प्रकार अल्प समय में ही जो एक गंभीर घटना थी जिसमें कि एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई थी, उसके अभियुक्त को पुलिस की सक्रियता से तत्काल गिरफ्तार किया गया और आज उसको जेल भेजा जा रहा है और इसकी विवेचना को भी समुचित साक्ष्यों के आधार पर जल्दी समाप्त कराया जाएगा और प्रभावी पैरवी करके इसको सजा भी करवाई जाएगी। क्या सर, इस तरह की बात भी सामने आई कि सरेंडर करने से पहले जो आरोपी है वो खुद थाने पहुँचे, उन्होंने कहा कि मुझे गोली मत मारना चाहिए? इस तरह की बात नहीं, लेकिन हाँ, कानून का भय है जिसके कारण व्यक्ति थाने आया इस और ये पुलिस की कार्यप्रणाली और उनके प्रभाव का ही प्रतिफल था कि अभियुक्त बजाय फरार होने के पुलिस के भय से पुलिस थाने में आकर उसने सरेंडर किया। जो पैसे दिए गए थे सर, वो ब्याज पे दिए गए थे? ऐसा बताया गया है कि जो मृतक था उसके द्वारा 20,000 रुपये इससे ब्याज पर लिए गए थे और उसी को लेकर ये व्यक्ति उससे दबाव डाल रहा था उसके पैसे लेने के लिए, उसी पर विवाद हुआ था।